पंछी गाने लगे, खिड़कियां भी खुल गई, पढ़ने पढ़ाने की अब बात पुरानी हो गई। फिर भी कैसा कोहरा है, घनघोर अंधेरा है, कहीं कुछ तो छूट गया, सिलसिला क्यों टूट गया, कुछ तो आगे बढ़ गए, कुछ क्यों पीछे रह गए। है घर कहीं जवाब तो चलकर उसे पिछली बार की परिक्रमा में मैंने दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में साक्षरता कार्यक्रम और उसकी उपलब्धियों का जायजा लिया। यहाँ मैंने देखा कि साक्षरता आंदोलन का आधार ही रोजगारोन्मुखी है। महिलाओं के स्वसहायता समूहों को साक्षरता प्रसार का जरिया बनाया गया है। तमिलनाडु में विशेष बात ये भी देखी कि मूनलाइट स्कूलों के माध्यम से पढ़ाई छोड़ चुके युवाओं को फिर से मूल शिक्षा की धारा से जोड़ने का काम हो रहा है। शहरों में भी पीछे छूट गए लोगों को उनके काम के स्थल पर ही पढ़ाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन अभी भी यहाँ काफी लोग छूटे हुए हैं, उन्हें जोड़ने का काम अभी बाकी है। ऊपर नीले अंबर की छाया, नीचे नीली नीली झील, ऊपर से लेकर नीचे तक प्रौढ़ शिक्षा का प्रतीक बना मध्य प्रदेश का ये प्राकृतिक परिदृश्य मन में उत्साह जगाता है कि यहाँ मुझे मेरे सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। शायद मेरे गांव के छूट गए लोगों के लिए कोई रास्ता निकल आए। मध्य प्रदेश में साक्षरता अभियान की शुरुआत वैसे तो 1990 से हुई, जब भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश भारत ज्ञान विज्ञान समिति के साथ मिलकर देश भर में साक्षरता के लिए प्रचार प्रसार का काम किया गया था। तो 1990 में पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी साक्षरता की मांग पैदा करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया गया था और गाँव-गाँव में एक कला माध्यमों के जरिए साक्षरता का प्रचार प्रसार करने के लिए कला जत्थे आयोजित किए गए थे। साक्षरता अभियान के दौरान प्रचार प्रसार का काम तो मेरे गांव में भी काफी जोर शोर से हुआ था, लेकिन उसका असर कितना हो पाया? जब पढ़ने पढ़ाने का दौर आया तो आधे पीछे छूट गए, उनके लिए इन प्रयासों का कोई मतलब नहीं बन पाया। यहाँ तो लगता है लोगों में साक्षरता के प्रति अलख जगाने के काम में युवाओं की अच्छी भागीदारी रही। कितना जोश है इनके गीत में, क्या इसका प्रभाव भी उतना ही पड़ा जैसा संकल्प इनके गीत में है? साक्षरता अभियान में पूरे 4-5 साल 94-95 तक मध्य प्रदेश में अच्छा काम हुआ है और धीमे धीमे उसमें एक शिथिलता आई। उस शिथिलता को कम करने के लिए हम लोगों ने
जो संपूर्ण साक्षरता अभियान के बाद में उत्तर साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की। उत्तर साक्षरता अभियान में 20-21 जिले हमारे उत्तर साक्षरता में आए। उत्तर साक्षरता में हमने एक अनोखी पहल की, क्योंकि साक्षरता अभियान में कुछ लोग छूट जाते हैं, जो पढ़ने लिखने से छूट गए हैं, उनको उत्तर साक्षरता में शामिल करते हुए एक पढ़ना बढ़ना आंदोलन की शुरुआत की। पढ़ना बढ़ना आंदोलन पिछले 2 साल पहले 1999 में शुरू किया गया था। मुझे गांवों से जानकारी मिल सकती है कि पढ़ना बढ़ना कार्यक्रम कितना असरदार रहा, पीछे छूटे हुए लोगों को कितना जोड़ पाए। अच्छा, तो यहाँ पढ़ने लिखने का काम हो रहा है। छूट गए लोगों को अगर इस तरह का अवसर मिले तो मेरे गांव के पीछे छूट गए लोग भी साथ जुड़ सकते हैं। अपने आप में ये सच है कि अगर गांव के आधे घरों में अंधेरा हो तो गांव प्रकाशवान नहीं हो सकता, लेकिन ये भी सच है कि आधे प्रकाशवान बचे हुए अंधेरे को दूर करने में सहायक हो सकते हैं। पढ़ाई लिखाई हमने बचपन से कुछ भी नहीं सीखा था। अब आंगनबाड़ी में हम काम करने लगे थे आज तीन चार साल नहीं तो भाई मैडम का नहीं, बैठे बैठे भाई हम पेन उठाते थे इनकी, हम मैडम से बोलते थे मैडम हमारा नाम लिख नहीं सको दो, तो उसने हमारा नाम लिखाना सको दिया तो हमारा नाम हम सीख गए। अच्छा, तो सुमन भाई ने आंगनबाड़ी में सहायक का काम करते हुए नाम लिखना सीखकर साक्षर होने की पहल कदमी की है। लेकिन इस क्रम में उपजी चेतना का प्रभाव है कि अब वो अपने बच्चों को निरक्षर नहीं रखना चाहती। संभव है बच्चों की सफलता उसे और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, अपने बच्चों से ही नाम से आगे की पढ़ाई सीखे। बच्चे हमारे 4 लड़की, लड़की लड़के, बड़ी वाली 7वीं में पढ़ती है आपकी, उससे छोटी है वो 5वीं में, और उनसे 2 और छोटी हैं वे दूसरी क्लास पढ़ती हैं, यहाँ पढ़ने जाती हैं। बड़ी को तो हम 8वीं तक पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद में नहीं पढ़ा दे। गाँव में जब साक्षरता की अलग जगी तो क्या दूसरे घरों तक भी पहुंच पाई? मुझे इनसे भी पूछना चाहिए। तो पढ़ाई लिखाई अपना नाम लिख लेते हैं, कुछ चिट्ठी वगैरह आती वो भी पढ़ लेते हैं हम, कहीं से थोड़ा बहुत लिखने का काम वो भी थोड़ा बहुत हम कर लेते। अक्षरों से जान पहचान हो जाना अपने आप में कितनी रोमांचक घटना है। अक्षरों से शब्द, फिर शब्दों के साथ साथ दुनिया जहान की जानकारी। भोपाल के आदमपुर गांव में शायद ये साक्षरता आंदोलन का ही प्रभाव है कि कमजोर आंखों के बावजूद दुनिया भर की खबरों से रूबरू हो रहे हैं। चर्चा के लिए पत्र पत्रिकाओं से जानकारी मिल रही है। मुझे इस गांव के बारे में कुछ और जानकारी लेनी चाहिए। हमारे गांव में भी 2-3 साल से साक्षरता अभियान यहाँ चला है, तो इसमें महिलाएं, हमारे बुजुर्ग जो बूढ़े लोग थे उनने साक्षरता यहाँ पर सीखी। शाम को लगता था क्लास, उनसे उन लोगों को अपना नाम लिखना, चिट्ठी वगैरह पढ़ना, ये इतना सीख गए वो लोग, तो करीबन 95% यहाँ पर लोग साक्षर तो हो गया। आदमपुर की ये उपलब्धि अपने आप में बड़ी है, लेकिन अभी भी यहाँ कई हैं जो इस मुहिम में पीछे छूट गए। मुझे उनसे मिलकर बात करनी चाहिए, हो सकता है कारणों का पता चल जाए। कलाबाई वैसे ही छूट गए लोगों में से एक है। बगैर पढ़े लिखे हमें पढ़ना आता नहीं है, हमारे काम कुछ काम के भी पढ़े लिखे हो तो कुछ काम भी लगता है, अब घर बैठे बैठे क्या काम करें। पढ़ाने लिखाने वाले को ये नहीं ना मालूम कौन पढ़ाता है, हमको पता ही नहीं है पढ़ाने लिखाए नहीं लिखाए। हम जाते तो हम बोलते कि फलाना पढ़ा रहा, कोई पढ़ा ही नहीं रहा तो हम क्या बोले, पढ़ाई नहीं है हमारे गाँव। नौकरी ले लेते हैं और ना पढ़ाते ना लिखाते, कुछ नहीं करते। जो साक्षरता अभियान हमारा चला उसमें 7-8 साल में हमने लगभग 53 लाख लोगों को साक्षर किया, और
उसके बाद पढ़ना पढ़ना आंदोलन जो हमारा चला उसमें एक सवा साल के अंदर 29,85,000 लोगों को हम लोगों ने साक्षर किया। मैंने भोपाल में महिला बचत सेवा बैंक के बारे में सुना था। सुना है नव साक्षर महिलाएं इस स्वयंसेवी संस्था से जुड़कर काफी आगे निकल रही हैं। मुझे इसके बारे में और जानकारी लेनी चाहिए। यहाँ तो महिलाओं ने ऋण लेकर स्वरोजगार भी शुरू कर दिया है। सचमुच ये एक अच्छी पहलकदमी है। अब इन्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई रंगीन फूल बना रही है तो किसी ने कपड़े सिलने का काम शुरू कर दिया है। यहाँ तो जरदोजी का काम भी अब रोजगार से जुड़ गया है। ये सब शिक्षा से ही तो संभव हो पाया। महिलाओं द्वारा संचालित है ये बैंक। यहाँ से नव साक्षरों ने ऋण लिया था जो अब वो लौटाने लगे हैं। अपना पूरा लेखा जोखा, कितना लिया था और कितना लौटाया, सब हिसाब ये कर पाती हैं। सचमुच शिक्षा की ये तो बड़ी उपलब्धि है। बता दूं कि पढ़ना बढ़ना आंदोलन के अंतर्गत हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 2,17,000 पढ़ना बढ़ना समितियां बनी थी और इसमें से हजारों समितियां जो हैं स्वयं सहायता समूह में ट्रांसफॉर्म हुई हैं और इसके माध्यम से लगभग 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सेविंग हमारे इन पढ़ना बढ़ना समितियों जो ट्रांसफॉर्म हुई हैं स्वयं सहायता समूहों में उन्होंने बचत की है। तो ये बचत के माध्यम से वो आपस में लेन देन का काम करते हैं, अपनी रोज़मर्रा की समस्याओं के लिए पैसा लेते हैं और उसको चुकाते हैं। तो इस प्रकार के कल्चर गाँव में विकसित हो रहा है अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। प्रगति तो सचमुच अच्छी है। मुझे पूरे राज्य की स्थिति का पता करना चाहिए। इतने प्रयासों के बाद मध्य प्रदेश का स्थान देश में 25वां है। साक्षरता दर 1991 में 44% से थोड़ी अधिक थी, 10 वर्षों में 64% हो गई। बढ़ोतरी दर तो अच्छी है। पुरुष साक्षरता तो अच्छी लगती है, 77% के करीब। लेकिन महिला साक्षरता की क्या स्थिति है? 100 में 50, यानी आधी अब भी निरक्षर हैं। ग्वालियर मध्य प्रदेश का पुराना और महत्वपूर्ण शहर है। राजा रजवाड़ों के जमाने में ये न जाने कितने ही राजाओं की राजधानी रहा है। यहाँ से आधे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों तक राज होता था। इस दृष्टिकोण से सत्ता का केंद्र रहे ग्वालियर में जागरूकता भी अधिक होनी चाहिए। संभव है यहाँ मेरे सवालों का जवाब मिल जाए। संपूर्ण साक्षरता का काम जो जून 1998 में पूर्ण हो गया था, उसके बाद उत्तर साक्षरता का कार्य जिला साक्षरता समिति द्वारा लिया गया और ये उत्तर साक्षरता का कार्य जून 2000 में हमने पूर्ण किया सफलतापूर्वक। इसका भाव मूल्यांकन कराया गया जो कि 50% रहा। ये परिणाम जिले में और राज्य में काफ़ी अग्रणी परिणाम है और जून 2000 के बाद इसमें अगला जो फेज है वो सतत शिक्षा का है। ग्वालियर में ये उपलब्धियां एक और हैं। प्रशासन तंत्र सतत शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ करने की तैयारियां कर रहा है, लेकिन इन नौनिहालों को इस तरह कालीन उद्योग में काम करते देख सारी कोशिशें बेमानी लगती हैं। कहां तो खेलने खाने और पढ़ने के दिन और कहां इन मासूम हाथों से काम लिया जा रहा है। इस तरह ये बच्चे स्कूलों से वंचित हो जाते हैं
और निरक्षरों की संख्या इतने प्रयासों के बाद भी बढ़ती रहती है। ग्वालियर के क्षेत्र में बाल श्रमिक बहुत ज़्यादा तादाद में है। हमारी संस्था द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया तो ये हमारा ये अंदाज है कि ग्वालियर में 30-35 हज़ार बाल मजदूर हैं जो कारपेट के साथ जुड़े हुए हैं, बीड़ी के साथ जुड़े हुए हैं और क्रेशर्स में, ऑटोमोबाइल्स में हैं। तो हमारी संस्था ने ये मानना है कि इन बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन से या शिक्षा से जोड़ दिया जाए तो इनको बाल श्रम से हटाया जा सकता है, कुछ हद तक उसमें कमी लाई जा सकती है। ये तो अपने आप में बहुत अच्छी सोच है। निरक्षरों की आने वाली संख्या को रोकने का शायद ये बेहतर उपाय भी है। वैसे भी यहाँ बाल श्रमिकों को अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से तैयार कर औपचारिक शिक्षा यानी स्कूलों में दाखिल कराने का कार्यक्रम यहाँ साक्षरता अभियान के साथ ही जोड़कर चलाया जा रहा है। कैसे कैसे सपने हैं इनके, कितना दुखद होता होगा ना इन सपनों का मर जाना। लेकिन साक्षरता आंदोलन के साथ बाल श्रमिकों को शिक्षा से जोड़ने का जो प्रयास चल रहा है, इससे उम्मीद बंधती है कि अब कम से कम इनके कारण निरक्षरों की संख्या नहीं बढ़ेगी। पहले मैं क्रेशन पर काम करने जाता था, वहाँ पर पत्थर फेंकता था, जब एक पौवा फेंक लेता था, जब 5 रुपए मिलते थे, तीन बार में 2-3 पौवे फेंक जाता था। फिर जहाँ से मास्टर और सर गए, उन्होंने कहा अपने बच्चों को हमारे स्कूल में भर्ती कर दो। फिर हम जहाँ पे आने लगे, 2 साल जहाँ पे पढ़े, फिर हम बड़ा गाँव में भर्ती हो गए, फिर हम बड़ा गाँव में जाने लगे। पहले पत्थर फोड़ते हैं वे, फिर गधों में भर के लाते हैं, फिर पेटी में कुर्ते, पेटी बच जाती है, फिर पेटी उखाड़ कर दूसरी डिंगा रख देते हैं, फिर हम डांटते हैं उनको। पानी मानी भरती थी, पेपर वगैरह फेंकने आती थी, यहाँ पे स्कूल खुले हुए थे, स्कूल में आती हूँ पढ़ने, कच्चा चावल में हमको खेलना भी मिलता है, हम खेलते हैं। फिर सर पहुँचे, तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं जाते स्कूल, सो मम्मी ने कहीं काम करने जाते हैं। फिर सर ने कहीं पढ़ाओ ना इनको, सो फिर मम्मी बोली चली जा कर स्कूल। तो हमारी संस्था द्वारा ऐसे बच्चों के लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स चलाए जा रहे हैं जिसका उद्देश्य उन बच्चों को फॉर्मल शिक्षा से जोड़ने का है। और उसके साथ ही ग्वालियर में नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट भी चल रहा है, वो भी ग्वालियर में इन बच्चों को जो कि खतरनाक उद्योगों में जुड़े हुए हैं उनको हटाकर वो भी मूल शिक्षा से उसे जोड़ना चाहते हैं। कितना अमानवीय लगता है बच्चों को इन बड़ी बड़ी निर्दयी मशीनों के हवाले कर देना। दोष चाहे किसी का हो, लांछन तो समूचे समाज पर आता है ना। कारण चाहे कुछ भी हो, पत्थरों को कूटने वाली इन मशीनों में न जाने कितने ही किशोरों का बचपन कूटा जाता रहा। लेकिन साक्षरता आंदोलन के साथ बाल श्रमिकों के मुद्दे के जुड़ जाने से अब यहाँ बच्चे नहीं दिखते। ग्वालियर में साक्षरता कार्यक्रम के साथ साथ ऐसे बाल श्रमिक स्कूल भी चलाए जा रहे हैं। सुना है ऐसे कई स्कूलों को यूनिसेफ ने भी मदद दी है। इन स्कूलों में औपचारिक पाठ्यक्रम की बजाय विशेष तौर पर प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा पढ़ने के प्रति उत्साह जगाने का काम होता है। इस विद्यालय में आसपास के क्रेशरों से, आसपास की खदानों से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आने में तकलीफ होती है, उनको उनके माँ बाप उनसे छोटा मोटा काम कराते हैं, फिर भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं। सभी बच्चे यहाँ पर प्रेमपूर्वक अध्ययन करते हैं। पहले ये समर्थ बाल संस्था से पढ़ते थे, वहाँ पर काफ़ी उन्होंने अच्छा अध्ययन किया, उसके बाद हमारी संस्था में आके भर्ती हुए। माँ के संगे काम करने जाते थे पहले क्रिसल पे, फिर इधर आने लगे पढ़ने। माँ ने कह दी अब पढ़ने जाओ और पवन अब क्रिसल में काम नहीं करो, तो हमने कही ठीक है माँ, तो हमने पढ़ने आते हैं अब दो में हैं। कुछ बच्चे जो हमारे बाल श्रमिक के हैं
वे अपर यहाँ पढ़ते हैं तो हमारे स्थान जो बड़ा है यहाँ के नागरिकों को थोड़ा सा उनसे परहेज है। वे नहीं चाहते कि हमारे बच्चे बाल श्रमों के बच्चों के साथ पढ़ें, इसलिए वे अधिक से अधिक बच्चों को प्राइवेट संस्था में पढ़ाने के लिए भेजते हैं। सारे समाज स्वयंसेवी संगठन मिलकर भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था द्वारा स्कूल चलो अभियान के नाम से अभियान चलाए गए और जिसमें हमारा प्रयास रहा कि शहर के तमाम सामाजिक संगठनों को भी जोड़ा जाए, टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन को भी जोड़ा जाए, ट्रेड यूनियन से भी बात की और एक अवेयरनेस की जाए। तो पिछले समय में जब हमने प्रयास किए तो पिछले साल 549 बच्चे हमारी संस्था द्वारा उन क्षेत्रों से भर्ती कराए गए जो तो या स्लम्स के एरिए हैं, जो बच्चे बाल श्रम से जुड़े हुए हैं या फिर वो बाल श्रमिक बनने की प्रोसेस में। निरक्षरता को जड़ से मिटाने के लिए शायद यही एकमात्र तरीका है कि लोग शिक्षा के महत्व को समझें और बच्चे इसे अधिकार के रूप में जानें। बाल श्रमिकों के लिए इस तरह के कई केंद्र जिला साक्षरता समिति के माध्यम से भी चलाए जा रहे हैं। माँ बाप नाम लिखना सीखकर साक्षरों की सूची में आ गए, लेकिन किशोरों के लिए इतना काफी नहीं है। उन्हें ऐसे अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों में अक्षरों से शब्द बनाने और अंकों के महत्व को समझाया जा रहा है। ग्वालियर में साक्षरता आंदोलन का तो ये अलग ही स्वरूप है। यहाँ पर वो बच्चे आते हैं जो कालीन या खतरनाक उद्योगों से जुड़े हुए हैं और ये बच्चे कभी भी किसी भी स्कूल में नहीं गए। हम लोग इन लोगों को ये जो लोग पे काम करने जाते थे वहाँ से लेकर आए। अब यहाँ इन बच्चों को पढ़ाई भी कराते हैं और इनके साथ साथ में इनको प्रशिक्षण भी देते हैं जिससे ये अपने रोजगार भी देख सकें। और हमारी इच्छा है कि इन बच्चों को भी हम परीक्षा दिलवाएंगे। 5 की महिलाओं की बात जहाँ तक आती है तो ग्वालियर में 70% महिलाओं ने आप लगा लीजिए साक्षरता अभियान में पूर्ण योगदान दिया है, जो हमारे निस्वार्थ भाव से VT के रूप में कार्य किया है। अच्छा, तो यहाँ सिलाई कढ़ाई का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कामगार परिवार के इन बढ़ते बच्चों के लिए ये जरूरी है कि उन्हें पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम का भी प्रशिक्षण दिया जाए। इससे ये लोग कोई रोजगार आरंभ कर अपने परिवारों को मदद पहुंचा सकते हैं। इससे इस बात की गारंटी भी हो जाएगी कि ये लोग फिर से उन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खतरनाक समझे जाने वाले उद्योगों में वापस नहीं जाएंगे। हो सकता है अभी इनके द्वारा होने वाली आय से इनके परिवार वंचित हैं, लेकिन जब शिक्षा का चिराग इनके घरों में जल चुका है तो कम से कम भविष्य तो प्रकाशवान होगा ही। पहले जब है ना पड़ोस के बच्चे स्कूल जाते थे तो हमको ऐसा लगता था कि हम भी इनके साथ स्कूल जाए और इन जैसे पढ़ लिख के ना। पहले हम बीड़ी बनाते थे, फिर हम यहाँ स्कूल में आए। स्कूल में आके फिर हमने कुछ सीखा, कढ़ाई सीखा, मेहंदी और बनाना भी सीखे थे, काट लेते हैं और जी काट लेती और जलर मलर बना लेती। हम काली बुनते थे पहले तो हमें काला नहीं काला बच्चा काला चले ऐसे बोली लगाते थे। फिर कुछ दिन बाद यहाँ स्कूल खुला तो हमने सोचा स्कूल में पढ़े हम कुछ लिखना जाने ऐसा अपन दूर चलें ऐसे कहीं फंस जाएं अपन जान के तो छुट्टी मुट्टी लिखें जान के तो अपने घर पे पता चले। और फिर यहाँ पे हमने कढ़ाई मढ़ाई सब सीखी। सचमुच ये तो अपने आप में बड़ा बदलाव है। संभव है सतत शिक्षा कार्यक्रम के दौर में बाकी छूट गए लोगों को भी अवसर मिले। मध्य प्रदेश में कुछ संरचनात्मक सुधार हुए हैं जिसके तहत साक्षरता का काम और प्रारंभिक शिक्षा का काम एक साथ लिया गया है। तो विगत वर्ष से हम लोग 1 से 8 तक की शिक्षा का काम भी इसके साथ जोड़ के कर रहे हैं। इसके प्रथम चरण में शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए
या कहा जाए कि प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए एक योजना का निर्माण भी हम लोगों ने किया है, जो कि सर्व शिक्षा के नाम से भी जानी जा रही है, और ग्वालियर जिले का चयन सर्व शिक्षा अभियान के तहत भी कर लिया गया है। सतत शिक्षा कार्यक्रम के लिए विशेष चौकसी बरती जा रही है। लगता है नव साक्षरों के विचार भी इसमें शामिल किए जा रहे हैं। ये जरूरी भी है ताकि इन्हें अपने पसंद की शिक्षा मिले, इससे इनकी दिलचस्पी भी बनी रहेगी। कौन सी जाति है आपकी? मैं भी पूछती हूँ, इनकी योजना क्या है? हाँ, पांचवी की परीक्षा देना चाहते हैं और आगे भी सिक्स में दोबारा एडमिशन लेंगे और फिर आगे भी मतलब पढ़ते ही रहेंगे, बैठना नहीं है घर पर। मैं सीखूंगी सिलाई और है ना बैंक से लोन भी लूंगी, अगर मिल जाएगा तो खोल लूंगी अपनी दुकान छोटी मोटी, इसलिए क्योंकि हमारे पापा जी नहीं है, अपना घर खुद ही चलाना चाहूंगी। मध्य प्रदेश की परिक्रमा से ये तो लगता है कि शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में यहाँ कई प्रयोग हो रहे हैं, लोगों को जोड़ने का भी काफी काम हुआ है। फिर भी ये राज्य पीछे क्यों रह गया? कैसे इतने सारे लोग छूट गए? इस सवाल का उत्तर तो ढूंढना ही पड़ेगा।